हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। सिक्स क्लास का मैथ करेंगे, एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाउ विल यू चेक योर आंसर। ये देखो, ये एक क्या है, हेक्सागन है और ये रेगुलर हेक्सागन है। जितनी भी रेगुलर फिगर होती है, रेगुलर फिगर मीन्स उनकी ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो जितनी उनकी साइड होती है, जैसे हेक्सागन की सिक्स साइड है तो इसकी सिक्स ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ये पेंटागन है, इसकी फाइव साइड होती हैं तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइव होंगी और इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि इधर का सेम है, इधर का सेम है, यहाँ से तो हो नहीं पाएगी। बटरफ्लाई में भी एक होगी और ये पिक्चर दे रखी है, इसमें भी एक ही होगी। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा कि तुम अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हाउ विल यू चेक योर आंसर। अब या तो पेपर फोल्डिंग से कर सकते हैं हम, ये मान लो पेपर पे है तो इसको फोल्ड करके एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी, ठीक है। तो ये हमारी पता लगेगा कि ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ठीक है, अगर एग्जैक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है पेपर तो, ठीक है। ऐसे इसकी करके देखेंगे, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी, पेपर फोल्डिंग से हम किसी भी, हमने किसी भी फिगर का या किसी भी चीज का हमने मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री की है तो उसको हम एग्जैक्ट ऐसे फोल्ड करके पता लगा सकते हैं। जैसे ये पेपर फोल्ड कर रखा है मैंने, तो ये पेपर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर नहीं ओवरलैप करता, मान लो मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँ तो ये, तो फिर इसकी यहाँ ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यही है। तो इसको आप जिधर से भी कट कर करके कर करोगे, जितनी भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, वो एक दूसरे पे इक्वल ई बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, बिल्कुल ढक देगा कम्प्लीटली, ठीक है। या फिर हम मिरर इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं। मिरर इमेजेस क्या होती हैं, जैसे हम मिरर में देखते हैं, दिखेंगे तो बिल्कुल सेम जैसे आपका फेस है वैसा ही दिखेगा, बट कईयों की तो अपोजिट डायरेक्शन में दिखती हैं और कई जो है ना उसका उल्टा दिखता है। जैसे ये एफ है ऐसे दिखेगा, लेकिन टी है ये बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। उनको बोलते हैं मिरर इमेज। तो ये क्वेश्चन वन था। क्वेश्चन टू में हमें इसकी ये क्वेश्चन है कि ये एफ है और ये टी है, इसमें इसे लेके हमें बताएं कि मिरर इमेज बनानी है। तो एफ की मिरर इमेज ऐसे बनेगी और टी एक ऐसा है, टी की मतलब मिरर में सेम ही दिखती है ऐसे की ऐसे ही, लेकिन इसकी ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर इनका रिफ्लेक्शन बताना कि मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा। हम देखते हैं मिरर में तो हम सेम दिखते हैं, लेकिन हम ऐसे खड़े होते हैं तो इस तरफ साइड से दिखते हैं, ठीक है। ऐसे ये दिखेगा तो ये सेम, लेकिन इसका ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर थ्री है। कंप्लीट ईच ऑफ ईच फिगर सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैव डॉटेड लाइन एज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये मैंने, ये इनकम्प्लीट था, इधर इतना था, ये मैंने ड्रॉ कर दिया बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। स्केल की हेल्प लेके करना आप अच्छे से। तो ये कंप्लीट करनी है, ये भी कंप्लीट करनी है, ये भी कंप्लीट करनी है, कंप्लीट कर दी मैंने, ये भी कंप्लीट करनी है। आपको नहीं करने आती तो देख लो, ये भी मैंने कंप्लीट कर दी, ये भी कर दी। अब क्वेश्चन फोर है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। अब हमें फिगर बनानी है लाइन की। लाइन कैसी होती है, लाइन ऐसी होती है ना, तो उस पर हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। देखो भाई, ये लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन है, ये लाइन तो कितनी भी लंबी हो सकती है, लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसकी अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से यहाँ तक कर दूं, यहाँ से यहाँ तक कर दूं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ठीक है। क्योंकि इसको इधर जितना मैंने बढ़ाया उधर भी बढ़ा सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ से और यहाँ से किए तो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप होगा, ये वाला इसके ऊपर होगा, ये वाला इसके ऊपर होगा, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इसकी इनफाइनाइट होती है। फिर है एंगल्स विद इक्वल आर्म्स। एक ऐसा एंगल जिसकी आर्म दोनों इक्वल हो, तो उसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो कितनी बनेगी, एक बनेगी, क्योंकि इक्वल आर्म है दोनों, तो वन बनेगी। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये इस तरह का होता है, तो इसकी ये साइड इक्वल नहीं होती तो इसमें एक भी नहीं बनेगी, ठीक है, जीरो। फिर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किस तरह का होता है, ये पूरा सर्कल होता है। अगर इसका मैं ऐसे हाफ कर दूं, मतलब ये हाफ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब रेगुलर पेंटागन, अभी मैंने बताया ये मैं बना के नहीं दिखा रही, रेगुलर पेंटागन में फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रेगुलर हेक्सागन में सिक्स साइड होती है, हेक्सागन में तो उसकी सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है, ये आप कर लेना। ड्रॉ ए ट्रायंगल विद एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। क्या तुम कोई ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। यस, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना,
आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? जैसे ये एक आइसोसेलेस, ये दो साइड अगर इसकी इक्वल हैं, ये और ये, तो इसमें हम एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे बीच से, ठीक है। तो यस, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और बना के दिखा देना। क्वेश्चन सिक्स है, ड्रॉ ए ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या तुम कोई ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो? कैन इट बी ए राइट ट्रायंगल? हाँ, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है? ऐसा होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी जैसे एक साइड ये है और इसकी ये दूसरी साइड है और इसकी ये तीसरी साइड है, तीनों साइड अनइक्वल। स्केलन मतलब जैसे स्केल में सब कुछ, तो ये इसका राइट एंगल यहाँ पे अगर ये बन जाएगा राइट एंगल, मतलब ये बड़ी है, थोड़ी और भी बड़ी बना दोगे आप क्लियरली पता चलेगा, जैसे ये ज्यादा बड़ी है ये और फिर ये, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? राइट एंगल तो बन जाएगा इसका, लेकिन इसका इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए इधर भी इतना ही इक्वल फिगर चाहिए, इधर भी इक्वल चाहिए, तो ये तो इसकी सारी साइड इक्वल नहीं है, तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 13.3, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।